बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशराहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक्तातन मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे 14 जुलाई 2020 ट्यूसडे, लेक्चर नंबर 3 एंड वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट नंबर 3, बुक पेज नंबर 23। उसकी रीडिंग करेंगे, साथ में लेबल द डायग्राम हाउ वी डाइजेस्ट फूड ऑन वर्कबुक पेज 21। ठीक है, साथ में हमारा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बुक पेज नंबर 23 पे है। ये तीन चीज़ें आज हम लोगों ने करनी है, ये आज आपकी डायरी थी। सो हम लोग डिस्कस करते हैं हाउ वी डाइजेस्ट फूड रीडिंग। हाउ वी डाइजेस्ट फूड, हम खुराक को कैसे हज़म करते हैं। उस दिन मैंने आप लोगों को सारा ओवरव्यू बता दिया था कि सबसे पहले माउथ में, माउथ से सलाइवरी ग्लैंड, फिर फूड पाइप से स्टमिक में जाएगी, स्टमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल से लार्ज इंटेस्टाइन और फिर रेक्टम। आज हम लोगों ने इसकी रीडिंग करनी है, इसकी डिटेल पढ़नी है, सारा कुछ होता कैसे है। यू टेक फूड इंटू द बॉडी थ्रू द माउथ, फूड इज चूड इन द माउथ। कहते हैं आप अपने जिस्म में खुराक को मुंह के ज़रिए अंदर लेके जाते हैं, फिर आप क्या करते हैं खुराक को, चूड का मतलब होता है चबाना, मुंह में रख के उसको चबाते हैं। यू यूज़ योर टीथ टू टीयर एंड ग्राइंड हार्ड फूड एंड मेक इट इनटू अ पेस्ट। मुंह के अंदर आपके दांत होते हैं, आप अपने दांतों को यूज़ करते हैं उसको तोड़, टीयर का मतलब होता है तोड़ना एंड ग्राइंड उसको पीसते हैं। हार्ड फूड, वो जो सख्त फूड होती है उसको आप मुंह में रखते हैं, मुंह में फिर आपके दांत होते हैं, आपके दांत उस सख्त फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे पीसेस में, इसको ग्राइंड करके एक पेस्ट की फॉर्म में ले आते हैं। फिर द टंग हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद सलाइवा, फिर आपकी जो टंग होती है, टंग आपकी मदद देती है, टंग के ऊपर सलाइवा होता है जो कि फूड को, सलाइवा के साथ टंग जो है वो फिर मिक्स कर देती है। अब सलाइवा कहाँ से आता है, ये माउथ, यहाँ पे देखें सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, फिर वो सलाइवा को सेक्रेट कर देते हैं। अब इधर देखें, सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ प्रोड्यूस सलाइवा, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वो सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। और सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सलाइवा ने क्या करना होता है, खुराक वो जो हमने चबाई होती है ना उसको मज़ीद नरम करना होता है, उसको पेस्ट की फॉर्म में मज़ीद लेके आना होता है ताकि हम इसको स्टमिक में फिर बेच सकें। स्टार्च की स्टार्च आपकी फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, तो उनमें से एक स्टार्च है। जैसे कि आप आलू खाते हैं, आलू के अंदर स्टार्च होते हैं, तो उन सब की भी डाइजेशन कौन करता है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स। एज यू स्वालो योर टंग पुश इज फूड डाउन इनटू योर थ्रॉट, जैसे ही आप उसको सलाइवरी ग्लैंड जो हैं वो सलाइवा सेक्रेट करते हैं, वो आपकी खुराक को मिक्स कर देते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप खुराक को थ्रॉट की तरफ, गले की तरफ भेज देते हैं, फिर आप स्वालो करके उसको निगल के तो यहाँ से फिर गले में भेज देते हैं। गले से फिर खुराक आनी होती है फूड पाइप में, द थ्रॉट लेड इनटू अ ट्यूब कॉल्ड द फूड पाइप। कहते हैं थ्रॉट जो है हमारा गला, वो एक नाली होती है उसमें खुलता है जाके, उस नाली को क्या कहते हैं, उस ट्यूब को क्या कहते हैं, फूड पाइप। पोर्शन ऑफ द पाइप कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एलिमेंट अल्टरनेटली टू पुश द फूड फॉरवर्ड इन द एंड इन टाइम इट एंटर योर स्टमिक। इसमें आप क्या करना होता है, कहते हैं फूड पाइप में जब खुराक आप भेज देते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सुकड़ना, एक दफ़ा ये ऐसे करेगा कॉन्ट्रैक्ट, फूड नीचे जाएगी, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर फूड नीचे जाएगी, इस तरह करते करते यहाँ से फूड कहाँ पे आ जाएगी, स्टमिक में, जिसको मैदा कहते हैं। अब मैदे में, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, तकरीबन 4 घंटे फूड रहती है। अब मैदे का काम स्टार्ट हो गया, यहाँ से देखें, कहते हैं द स्टमिक इज़ अ बैग मेड ऑफ मसल्स, आपका जो स्टमिक है, मैदा है, वो एक बैग की तरह होता है जो कि मसल से बना होता है। इट कैन स्टोर फूड फॉर सेवरल आवर्स, ये कुछ घंटों के लिए खुराक को अपने अंदर जमा रखता है। द स्टमिक रिलीजेज जूसेस एंड एसिड्स, अब स्टमिक का काम क्या हुआ, मैदे का, इसके अंदर ये एसिड रिलीज करता है और जूसेस, उन जूसेस को डाइजेस्टिव जूसेस कहते हैं जो कि खुराक को मजीद हजम करते हैं, मजीद तोड़ते हैं। द जूसेस आर कॉल्ड डाइजेस्टिव जूसेस, दे हैव टू ब्रेक डाउन द फूड इनटू स्टिल स्मॉलर पीसेस, यानी कि वो जो जूस है वो खुराक को मजीद छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। द स्टमिक मसल्स हैव टू चर्न द फूड एंड मिक्स इट विद द जूसेस,
जो स्टमिक के अंदर मसल्स होते हैं कहते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके खुराक को मज़ीद छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके तो जो स्टमिक ने जूस रिलीज करने होते हैं उनके साथ मिक्स कर देते हैं। और एसिड का काम क्या होता है, जो हमारे मैदे के अंदर एसिड होता है, अगर हम कोई भी खुराक खाते हैं उसके अंदर हमारा कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया वगैरह चले गए हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं, तो एसिड क्या करेगा, उनको किल कर देगा। द एसिड किल हार्मफुल जर्म्स कार्ड बैक्टीरिया एंड हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन। और प्रोटीन मैंने बताया कुछ स्टार्च प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट हमारी फूड में होते हैं, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड जो थे स्टार्च को डाइजेस्ट करते थे, और ये हमारे पास जो स्टमिक के अंदर जो जूसेस होते हैं वो प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करते हैं। इसके बाद पहले माउथ से फिर हमारे पास फूड कहाँ पे, स्लाइवरी ग्लैंड ने स्लाइवा को सेक्रेट किया, फिर उसके बाद फूड को थ्रॉट से यहाँ पे फूड पाइप के में भेज दिया, फूड पाइप से फिर वो स्टमिक में आई, स्टमिक का हमने पढ़ा। अब स्टमिक से कहाँ पे उसने जाना है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। द फूड पासिस फ्रॉम द स्टमिक थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमिक से एक लार्ज ट्यूब होती है उसमें जाएगी, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, एंड देन इनटू अ शॉर्टर बट वाइडर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। फिर इसके बाद एक छोटी ट्यूब होती है लेकिन वो वाइडर होती है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर उसके बाद जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब इन दोनों का काम क्या होता है, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मोर डाइजेस्टिव जूसेस मेक द फूड सॉफ्टर, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर वेरी थिन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे स्टमिक के अंदर भी डाइजेस्टिव जूस रिलीज हुए थे और एसिड जिन्होंने खुराक को क्या किया था, मज़ीद सॉफ्ट किया था, मज़ीद उन्होंने उसको डाइजेस्ट किया था और एसिड ने बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह को किल किया था। स्टमिक के अंदर मज़ीद डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं ताकि खुराक मज़ीद नरम हो जाए। क्यों इतना खुराक को सॉफ्ट करते हैं, क्योंकि बाद में खुराक ने ब्लड में एब्जॉर्ब होना होता है, वहाँ से हमने एनर्जी को लेना होता है। अब फिर क्या हो गया, डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट पासेस थ्रू द वॉल्स इनटू द ब्लड वेसल्स। अब क्या हो गया, जब फूड मज़ीद सॉफ्ट हो गई है, जो डाइजेस्टेड फूड बन गई है, जो मुकम्मल तौर पे हजम हो गई है, उसको हम वॉल्स के थ्रू, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है। हमने कहा था वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, और वहाँ से वो डिफ्यूज़ करके ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द ब्लड वेसल ट्रांसपोर्ट द ब्रोकन डाउन सब्सटेंसेस टू द बॉडी सेल्स वेयर दे आर यूज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड बिल्ड न्यू टिश्यू। हमने कहा था हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो एनर्जी हम खुराक से लेते हैं। तो आपने देख लिया कैसे हमने मुँह में खुराक रखी और वो स्टेप बाय स्टेप करते करते जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँची है, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हमारी ब्लड वेसल में गई है, यानी कि हमारे खून में शामिल होगी, और हमारा खून जो पूरी बॉडी में क्या करता है, गर्दिश करता है, और उससे हमें फिर एनर्जी मिलती है। तो हमने देख लिया हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिली, हम डिफरेंट प्रोसेस से खुराक को गुजारा है तो फिर हमें एनर्जी मिली है। फिर वहाँ से वो एनर्जी लेके तो हमारे जो टिश्यूज़ वगैरह हैं वो बिल्डअप होते हैं। फिर यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है, अब जो खुराक हजम हो गई थी वो ब्लड में भेज दी गई, उससे हमने एनर्जी ले ली। लेकिन कहते हैं कुछ पार्टिकल्स हैं वो अनडाइजेस्ट रह जाते हैं, वो हजम नहीं होते, फिर उनको वो हमारी बॉडी के लिए फिर ज़रूरी भी नहीं होते, वो गैर अहम होते हैं, इसलिए उनको हम बॉडी से बाहर भेज देते हैं। उसको उसमें से देखें, कहते हैं सम ऑफ द थिंग्स यू ईट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, कुछ चीज़ें जो आप खाते हैं उनमें से कुछ चीज़ें हैं वो डाइजेस्ट नहीं होती, लेकिन मोस्टली हो जाती हैं। दे पासिस द लार्ज इंटेस्टाइन, उनको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। हेयर वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड एंड फाइबर एंड द सॉलिड पार्ट ऑफ इट इज सेंट आउट ऑफ द बॉडी एज फीसिस थ्रू द एनस। कहते हैं उस खुराक में से जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो बाकी सॉलिड सब्सटेंस रह जाता है, बाकी वो वेस्ट होता है, सारे का सारा सॉलिड हार्ड सा मटेरियल होता है, उसकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं होती, पानी था वो भी हमने एब्जॉर्ब करवा लिया, और जो बाकी वेस्ट प्रोडक्ट रह गया उसको बॉडी से बाहर भेज दिया जाता है फीसिस की फॉर्म में एनस के ज़रिए। ठीक है, तो ऐसे आपकी डाइजेशन स्टार्ट होगी। अब हमने होप्सो आपको समझ लग गई होगी। अब हम देखते हैं आपका था लेबलिंग थी वर्कबुक पेज नंबर 21 है, उसमें देखें ये आपका माउथ, ये है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ये है फूड पाइप, ये है स्टमिक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये आप लोगों ने लेबलिंग कर लेनी है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया गया है। आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 है व्हाट इज़ स्लाइवा,
और उसका फंक्शन था। तो यहाँ से कहना सलाइवरी ग्लैंड इन द माउथ प्रोड्यूसेस सलाइवा, सलाइवा सॉफ्टन द फूड एंड स्टार्ट द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस। यहाँ तक आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर जो था हमारे पास वो जा रहा है, ठीक है। शुक्रिया।